उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल हाईवे पर यहाँ गंगनानी के पास बड़ा हादसा हो गया, जहाँ शाम को एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 27 लोग को रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। एक यात्री लापता है। बस में 35 पैसेंजर सवार थे। उत्तरकाशी के डीएम और एसपी ने बताया कि बस 100 मीटर गहरी खाई में गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में गुजरात के लोग सवार थे, ये गंगोत्री धाम की यात्रा करके लौट रहे थे। गंगनानी के पास ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया, जिससे बस क्रैश बैरियर्स को तोड़ते हुए यहाँ 100 मीटर गहरी खाई में लुढ़कने के बाद पेड़ों के बीच जाकर अटक गई। उत्तरकाशी से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। प्रारंभिक सूचना के अनुसार 27 घायलों को निकाला जा चुका है, जिनको जिला अस्पताल लाया जा रहा है। 7 लोगों की मृत्यु की सूचना है तथा एक घायल को निकालने की कार्रवाई गतिमान है। कुल 9 एम्बुलेंस ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बसेस भी ऑपरेशन में लगाई गई हैं। जिला अस्पताल में प्रिपेयरनेस कराई गई है। हेलीकॉप्टर के लिए भी बात कर ली गई है। आवश्यकता पड़ने पर यात्रियों को हेली के माध्यम से ऋषिकेश एम्स जो मिली है, इसमें ये पता चला है कि इसमें ये लोग जो 35 लोग सवार थे इस गाड़ी इस बस में, जिसमें से 6 की डेड बॉडी जो है रिकवर कर ली गई है। एक घायल जो है वो बस में फंसा हुआ है, उसका रेस्क्यू जारी है। एक मिसिंग है और 27 जो है उनको जो है उत्तरकाशी भेज दिया गया है। सभी लोग सुरक्षित है और जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी स्थानीय पुलिस, NDRF, DDRF, फायर सर्विस और लोकल पुलिस के कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन से चल रहा है और जल्दी जो इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा।